टाटा मोटर्स की बात करें, आज के दिन कंपनी का शेयर 6.77% डाउन देखने को मिला। कंपनी के शेयर के अंदर 460 रुपीज़ के आसपास कंपनी का शेयर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। पिछले 5 दिन में इस कंपनी ने 8% के आसपास की गिरावट दिखाई है और पिछले 1 महीने के अंदर 7.7% के आसपास की गिरावट दिखाई है। पिछले 6 महीने की बात करें तो इस कंपनी ने 44% का रिटर्न दिया है एंड पिछले 1 साल के अंदर इस कंपनी ने 154% का रिटर्न दिया है। कंपनी ने कोरोना की जो सिचुएशन थी, आप लोग देखोगे 70 रुपये के आसपास यह कंपनी का शेयर आ चुका था और 70 रुपये से अभी कंपनी का शेयर यहाँ पर ऑलमोस्ट 500-600% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। अभी ये हालत की बात करें, ठीक है, क्रैश हुआ है मार्केट फिर भी, और क्रैश से पहले की बात करें तो 700% के आसपास का इस कंपनी के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर कंपनी का शेयर चलता हुआ देखने को मिल जाएगा। मतलब यहाँ पर कंपनी के शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा पैसा बना कर दिया जिन लोगों ने बाय ऑन डिप करके इन लेवल्स के ऊपर खरीदा होगा, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला ने इन्हीं लेवल्स के ऊपर टाटा मोटर्स के शेयर को खरीदा था, तो अभी आवाज उनको अच्छा खासा तगड़ा मुनाफा हो रहा होगा। तो क्या अभी प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए? देखो, आप लोगों को एक चीज़ मैं बदलता हूँ, टाटा मोटर्स है ना, वो 1-2 दिन में आप लोगों को पैसा ज़रूर से बना कर देगी और 1-2 महीने में भी पैसा बना कर देगी, पर ऐसा यहाँ पर से जो बड़ा प्रॉफिट लेना है ना, बड़ा प्रॉफिट लेना है 2-3-5-10 हज़ार% का, तो उनके लिए यहाँ पर कंपनी को अंदर टाइम देना पड़ेगा और कंपनी को टाइम दोगे तो ये कंपनी आने वाले समय में आप लोगों को एक मल्टी बैगर साबित होती हुई देखने को मिल जाएगी। इस कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज कर हर एक गिरावट के ऊपर खरीदारी करके चल सकते हो। सबसे पहले न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर सब लोग देखोगे, टाटा ग्रुप ने आज के दिन यहाँ पर से बात की है कि ये तीन स्टेट के अंदर 300 मिलियन यहाँ पर से 300 मिलियन यहाँ पर डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे और ये सेमी कंडक्टर का असेंबली यूनिट बनाने वाला है। अभी यहाँ पर से ये 300 मिलियन डॉलर का यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो थोड़ा सोच समझ कर ही इन्वेस्ट कर रहे होंगे। आप लोगों को ना पता है तो वो बता दूँ, सेमीकंडक्टर्स की बात करें, इंडिया के अंदर अभी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है इसका, यहाँ पर बहुत ही बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है चाइना के अंदर और चाइना से बहुत सारी जगह पर इनके सेमीकंडक्टर्स यहाँ पर से सप्लाई होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड के अंदर। तो देखो, यहाँ पर से सेमीकंडक्टर वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटी सी चिप जैसा होता है, तो वो यहाँ पर से एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट करता है। मतलब यहाँ पर कोई भी सर्किट की बात करें या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान के अंदर सेमीकंडक्टर का यूज़ होता ही है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्या कर रहे हैं, एक पहला स्टेप ले रहे हैं। जैसे यहाँ पर से प्रोसेसर, इंडिया के अंदर प्रोसेसर बनते नहीं है, उसको यहाँ पर बाहर से लाया जाता है और यहाँ पर इम्पोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सिंपल सा यहाँ पर इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर देना है टाटा मोटर्स के अंदर। क्यों यहाँ पर से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यार इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माने के अंदर सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक ही रहने वाली है, सारा चीज़ यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर ही चलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर से ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पर से जो भी सेमी कंडक्टर्स यूज़ होंगे वो सारे के सारे इनके ही फैक्ट्री से आएंगे और आने वाले समय में ये क्या करने वाले हैं, अदर कंट्रीज़ के अंदर भी ये सेमी कंडक्टर्स को सप्लाई करेंगे, जिससे यहाँ पर से इनका रेवेन्यू बढ़े। अभी यहाँ पर से आप लोगों को एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये जो यहाँ पर से तमिलनाडु के अंदर, साउथर्न स्टेट के अंदर, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड तेलंगाना, ये 3 जगह पर ये अपना सेमीकंडक्टर का प्लांट डालने वाले हैं। 3 टोटल यहाँ पर से प्लांट डालने वाले हैं ये पूरे पूरे सेमीकंडक्टर्स के। और उसके साथ साथ आप लोग नीचे की तरफ चलते हो तो एक और चीज़ आप लोगों को मैं बता दूँ, ये हाईटेक टेक्नोलॉजी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग होता है। मतलब ऐसा नहीं कि यार कोई से भी आप लोग टेक्नोलॉजी यहाँ पर लगा दो और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जिसकी वजह से इनको अच्छा खासा कॉस्ट भी लगेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को ज़रूर से ध्यान देना है और आप लोगों को यहाँ पर से टाटा की सारी कंपनी, मतलब ऐसा नहीं है कि टाटा ग्रुप की, ऐसा नहीं, टाटा मोटर्स ही, आप लोग टाटा पावर के अंदर इन्वेस्ट करते हो या यहाँ पर हम बात करें टाटा एलेक्सी, टाटा केमिकल, सभी कंपनियों के अंदर आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़माने में यहाँ पर ये सारी कंपनियाँ न्यू हाई सीए बनाने वाली है। इन कंपनियों के ऊपर ज़रूर से फोकस रखना। अभी यहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स की बात करें, कंपनी के शेयर के अंदर एक सपोर्ट जोन देखने को मिल जाता है 479 रुपीज़ का। तो इस कंपनी की ने यहाँ पर से आज के दिन क्या किया है, 479 रुपीज़ का ये जो सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक कर दिया है। तो देखो यहाँ पर से इस यहाँ पर सपोर्ट लेवल का क्या काम था, इस मतलब ये एक रेंज के अंदर यहाँ पर कंसोलिडेट करवा रहा था ये पूरे शेयर को। अभी यहाँ पर क्या सीन होगा, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कंपनी का शेयर आने वाले समय में ये लेवल के आसपास ज़रूर से देखने को मिलेगा, 376
6.8 रुपीज़ के लेवल के ऊपर। तो आप लोग इस लेवल के ऊपर आता है कंपनी का शेयर 380 रुपीज़ के आसपास। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ, 380 रुपीज़ के आसपास या 375 रुपीज़ के आसपास आता है। तो आप लोग इस कंपनी के अंदर ज़रूर से खरीदारी करके चल सकते हो, और छोटे मोटी क्वांटिटी में खरीदारी मत करना, थोड़ी अच्छी खासी क्वांटिटी में लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से खरीदारी करना, बहुत ही ज़्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, अभी यहाँ पर से आप लोगों को यहाँ पर लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से तो बता दिया, अभी शॉर्ट टर्म के लिए क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर को बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। अभी मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, निफ्टी की बात करें आज के दिन अच्छा खासा गिरा है, 2.7 या 2.91% यहाँ पर से गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर से निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर गिरावट है, निफ्टी ऑटो के अंदर गिरावट है, सारे इंडाइसिस के अंदर गिरावट है। इसके पीछे का कारण क्या है, क्यों गिरावट देखने मिल रही है, वो जानना है तो ऊपर आई बटन पर जाके जरूर से चेकआउट कर सकते हो। अभी यहाँ पर से मैं यहाँ पर पर्सनली मैं ऐसा यहाँ पर करने वाला हूँ, मैंने टाटा मोटर्स के अंदर से सारी की सारी जो पोजीशन थी ऑलरेडी यहाँ पर कल के दिन निकाल ली थी, क्योंकि यार देखो मेरे को लग रहा था यार कि आज के दिन ये कंपनी का शेयर ना ब्रेक हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो यहाँ पर ब्रेक होने वाला था, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा FII & DII के द्वारा बिकवाली देखने को मिल रही थी, और हैवी क्वान्टिटी की मैं हर रोज 4-5 हज़ार करोड़ रुपीज़ का मार्केट से पैसा जा रहा था। ठीक है, तो इसी की वजह से गिरावट आना तय था। अभी आप लोगों को मैं रेकमेंड करूँगा कि यार 375 रुपीज़ के लेवल के ऊपर खरीदारी करनी है तो करना, मैं इसी लेवल के ऊपर खरीदारी करने वाला हूँ, बाकी इस कंपनी को अवॉइड करने वाला हूँ अभी फिलहाल के लिए, 1 महीने के लिए। ठीक है, बाकी आप लोगों को जब खरीदारी करने का मौका आएगा आप लोगों को मैं जरूर से अपडेट कर दूंगा। अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑल पर कर देना, और जिन लोगों के पास ये कंपनी का शेयर है इस वाली पोजिशन पे 500 रुपये के आसपास की पोजिशन के ऊपर, तो आप लोगों को यहाँ पर से होल्ड करने की सलाह रहेगी। नीचे के लेवल्स के ऊपर आप लोग बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी यूज़ कर आप लोग खरीदारी जरूर से करना। ठीक है, चलो गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, गुड बाय।